गाड़ी में अगर नॉइज हो तो कस्टमर ना इरिटेट हो जाता है। मेरे पास ऐसा बहुत सारा मतलब केस आता है रेगुलर बेस पे, जिसमें कस्टमर का कंसर्न रहता है कि गाड़ी से नॉइज होता है। आज बेसिकली जो वीडियो का टॉपिक है ये नॉइज के ऊपर ही है, और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि आपका गाड़ी अगर सब कुछ सही है बट सटेन 1 किलोमीटर चलने के बाद आपका गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो नॉर्मली सामने का जो एक्सेल रहता है उसमें पावर जाता है, बट पीछे जो एक्सेल रहता है उसमें पावर नहीं जाता है, तो उसे डेड एक्सेल कहा जाता है। और वो डेड एक्सेल जहाँ पे कनेक्ट होता है दोनों साइड में दोनों बुश लगा हुआ रहता है, और उस बुश की लाइफ एक टाइम के बाद जाके खत्म हो जाता है। चाहे गाड़ी आपका जितना भी अच्छा क्यों ना हो, गाड़ी अगर चलेगा तो कम से कम एक वेट तो कैरी कर रहा है, और वेट कैरी करने की वजह से भी एक टाइम के बाद जाके पीछे की डेड एक्सेल की जो बुश है उसकी लाइफ खत्म हो जाता है। और तब जब बुश खराब हो जाएगा गाड़ी से एक नॉइज होना शुरू करेगा। गाड़ी लेके आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो होता क्या है कि आवाज लेके गए 60-65 हज़ार किलोमीटर चल गया तो कह दिया जाएगा कि सस्पेंशन पूरा ओवरऑल होगा, लेकिन एक्चुअल में पूरा सस्पेंशन ओवरऑल करने की कभी भी जरूरत पड़ता नहीं है, बट हाँ डिपेंड करता है कुछ एकाध केस में। तो आज जो दिखाएंगे आपको वीडियो में कि डेड एक्सेल का बूश अगर आपका खराब हुआ है तो कैसे आप उसको चेक करके पहले कंफर्म कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी चेक रिप्लेसमेंट कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं A to Z कार सर्विस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ और एक चीज शेयर करना चाहूंगा, गाड़ी में नॉइज और साउंड ये दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है। क्योंकि कई बार मेरे पास कस्टमर आता है, गाड़ी में आवाज होता है और जब हम लोग गाड़ी को चेक करते हैं खराब रोड में जाके, तो कस्टमर के साथ क्योंकि बैठा हुआ रहता है तो हम कंफर्म कर लेते और कस्टमर कुछ ऐसा नॉइज कहते जो गाड़ी में होना बिल्कुल नॉर्मल है। सपोज मान लीजिए आपका गाड़ी खराब रोड में चल रहा है, चाहे आपका गाड़ी ब्रांड न्यू क्यों ना हो, अगर खराब रोड में चलेगा तो उस कंडीशन में कुछ आवाज होना बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि नॉइज की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई म्यूजिक चलाए, गाना चलाए, तो वहां से जो आता है वो साउंड मिलता है, एक रिदम रहता है उसमें जो नॉर्मल है, उसे हम लोग नॉइज नहीं कहते। बट अगर एबनॉर्मल कुछ होगा तब जाके उसे नॉइज कहते। मेन जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं एटलीस्ट कि गाड़ी में जो हो रहा है पहले आपको कंफर्म करना है कि वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल कुछ आवाज हो रहा है तो आपके लिए भी एज ए कस्टमर वो अच्छा है कि हाँ एबनॉर्मल कुछ हो रहा है तभी आप काम कराइए, बट अगर नॉर्मल है गाड़ी आपका गड्ढे से जा रहा है और कुछ आवाज हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा प्रॉब्लम है, तो ये आपका पैसा भी बर्बाद होगा और जो काम करेगा उसके लिए भी मतलब कुछ काम का नहीं होगा। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी की अगर डेड एक्सेल मेनली जो कि बहुत ही कॉमन पार्ट है एक डेड एक्सेल होना और इसकी बुश खराब होना, तो अगर डेड एक्सेल का बुश खराब हो जाता है तो कैसे आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं और इसको कैसे रिप्लेस किया जाता है। जैसे अगर आवाज होता है तो आपको सबसे पहले तो गाड़ी को लिफ्ट अप करना है डेड एक्सेल चेक करने के लिए, और इसके बाद सिर्फ देखिए ये स्क्रू ड्राइवर से सिंपली स्क्रू ड्राइवर से कॉर्नर से ऐसे हल्का सा आपको चार देने से देखिए एकदम छिलके की तरह उठ रहा है, ये जो रबर है रबर एकदम ऊपर से उठ रहा है, और ज़्यादा कुछ आपको मतलब माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसे चेक कर लीजिए, इस साइड से आपको चेक नहीं होगा क्योंकि ये पूरा कॉन्जेस्टेड है, लेकिन यहाँ से आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। और दूसरा साइड अभी हम आपको दिखाते हैं, अगर दूसरा साइड में आपको देखिए हो सकता है कि इस साइड में कभी कभार के थोड़ा कम हो, लेकिन इसमें तो ये और ज़्यादा हो रहा है इस साइड में। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि छिलके की तरह उठ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका डेड एक्सेल का जो बुश है ये खराब हो गया है। कभी भी अगर डेड एक्सेल का बुश खराब हो जाए और उसको चेंज करना पड़े, पहले तो आपने चेक करके कंफर्म कर लिया कि डेड एक्सेल का बुश खराब है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि एक साइड का कट हो गया है और दूसरा साइड का अच्छा है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों साइड का ही बुश चेंज कर दीजिए, इसमें आपका ही पैसा बचेगा। क्योंकि एक्चुअली ये बुश चेंज करने में बुश का जितना प्राइस होता है उससे ज़्यादा इसकी लेबर चार्ज हो जाता है, क्योंकि डेड एक्सेल बुश चेंज करने के लिए आपको बहुत सारा पार्ट पीछे का एक्चुअली खोलना पड़ता है, चक्का से लेके ब्रेक और सस्पेंशन सिस्टम का भी सारा पार्ट इसमें खोल दिया जाता है, और उसके बाद जाके ये डेड एक्सेल अलग होता है। अब एकदम एंड में जाके देखिए, अभी मैं ये डेड एक्सेल का जो बोल्ट लगा हुआ रहता है दो,
वो दोनों बोल्ट खोलने से डेड एक्सेल जो है वो एकदम बाहर आएगा। गाड़ी में लगा हुआ कंडीशन में पहले मैंने आपको दिखाया कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं, अब वो तो कंफर्म हो गया एक तरीका से। अब उतारने के बाद भी आप चाहें तो इसको और ज़्यादा कंफर्म कर सकते हैं। सिंपली आपको हैमरिंग करना है बुश की एक साइड से, और देखिए अंदर की जो लोहे वाला पार्ट है वो धीरे धीरे करके बाहर की तरफ ये आ रहा है। अगर बुश आपका अच्छा रहेगा तो ऐसे ये इजीली बाहर की तरफ आता नहीं है। नया बुश जो है इसमें अगर आप जितना भी हथौड़ा मारेंगे ये एकदम कुछ नहीं होगा और ना ही ये छिलके की तरह उठेगा। तो इससे नया बुश जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही, बट खराब बुश जो खराब हुआ है एक्चुअल में खराब हुआ है ये पता चल जाता है। अब इस बुश के अंदर की जो लोहा वाला पार्ट है इसको हम बाहर करके एकदम पूरा आपको दिखाते हैं। सिंपली हथौड़ा से आपको इसको थोड़ा और ज़्यादा हैमरिंग करना है और आगे से ये बुश देखिए एकदम पूरा बाहर की तरफ चला आएगा। लोहे वाला पार्ट आधे से ज़्यादा निकल गया है और थोड़ा सा ये प्रेस करेंगे तो अब देखिए फाइनली ये पूरा बाहर आ गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गया है बुश का। अब डेड एक्सल से बुश को बाहर करने के लिए सिंपली इसमें हैमरिंग करना पड़ता है और इसमें अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स होगा तो ये काम इजीली हो जाता है। और हैमरिंग करने के बाद जाके फाइनली बुश कुछ इस तरह से आपका बाहर चला आता है। बुश जब भी आप इसको खोलेंगे तो दो चीज़ आपको याद रखना है, कौन सा साइड से ये खोल रहा है और कौन सा साइड से ये ढुकेगा। और साथ साथ एक देखिए पॉइंट का मार्किंग है, जब भी आप बुश को खोलेंगे तो खोलने का टाइम पे आपको ये पुराना बुश में भी देखिए ऐसा मार्किंग रहेगा, खोलने का टाइम में ये मार्किंग आप ज़रूर कर दीजिए। तो ये मार्किंग देख के आप इसको इजीली सेट कर सकते हैं। अगर बुश का मार्किंग आपका घूम जाएगा तो उस केस में बुश का जो लाइफ है वो लाइफ कम हो जाएगा। बुश तो आपका लग जाएगा लेकिन उसकी जो लॉन्गजिविटी है वो कम हो जाता है। तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में रख के ही बुश फिटिंग करना है। बुश डेड एक्सल में फिटिंग करने के टाइम हमें हाइड्रोलिक यूज़ करना है, हैमरिंग करके ये बुश फिटिंग ना करना ही बेस्ट है। हाइड्रोलिक से ये स्मूथली अंदर जाएगा, बस आपको इसको सीधा पकड़ना है। अगर टेढ़ा रहेगा तो डेड एक्सल बुश भी जाएगा और डेड एक्सल भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब इसको खोलेंगे खोलने के टाइम में इसको याद रखिए हैमरिंग करके ही खोलना है। अभी काम कंप्लीट करके मैंने डेड एक्सल को गाड़ी में फिटिंग कर दिया और पहले जो देखे थे आपने, अब देखिए नया बुश में कैसा रहता है। ठीक है, ये देखिए एकदम बिल्कुल टाइट रहता है, नहीं तो छिलके की तरह बाहर आ जाता था। मैं पहले ग्रीस पोंछ देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। और अभी जो हो रहा है इतना नॉर्मल है, ये देख के कोई डेड एक्सल बूस्ट मतलब रिप्लेस मत कर दीजिए, नहीं तो बेकार हो जाएगा। इतना सा क्योंकि रबर आइटम है तो इतना सा उठेगा। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।